चलो मैं अपना जो तैयारी कर रहा था उस समय का इंसिडेंट, हमारे सभी के पहली बार आईडी पेपर आउट हुआ 97 में आउट हुआ था, दोबारा हुई थी आयुष, मतलब 97 में जब आईडी दी थी तो बहुत बढ़िया पेपर हुआ था उस समय, मतलब पहली बार वाला पेपर बहुत ही अच्छा हुआ था, फिर आउट हो गया, लखनऊ में हुआ था और एक पटना में हुआ था, दो जगह आउट हुआ था, उसके बाद सब हिम्मत हार गए, पांच दिन तक किसी ने पढ़ाई नहीं करी उसको, बिल्कुल ही हमारा घर और बंसल सर का घर बिल्कुल पड़ोस में, बंसल पास मतलब बिल्कुल एकदम बहुत पास में घर है सर, मतलब बचपन से मतलब सर ने मेरे को देखा तो बिल्कुल बचपन से, तो और मैं बहुत टॉपर भी था लेकिन जो मेरा पेपर आउट हो जाता तो सब काम खराब हो जाता, हम तो पढ़ाई छोड़ दी थी, मेरे घर वाले बहुत परेशान हो गए, तो दोबारा आईटी देगा तो फिर कैसे होगा, बड़ी मुश्किल से हाँ देवदास क्योंकि पढ़ाई से बहुत स्नेह करते थे तो इसलिए ना फिर ना 10 दिन में निकल गए, मैंने बुक भी उठा के नहीं देखी, जून में नहीं अगस्त में होता शायद, जुलाई अगस्त में होता एग्जाम दोबारा, पहले बार मई में होता फिर शायद जुलाई अगस्त में होता, पूरा मई पढ़ाई नहीं करी, 10 जून तक भी करी, फिर बंसल सर ने बुलाया, मैंने बोला पढ़ो थोड़ा तो पढ़ो, उनको पता था कि थोड़ा बहुत भी पढ़ेगा तो भी निकाल देगा, फिर पढ़ाई करी लेकिन वो मन से नहीं करी, सिलेक्शन तो हो गया था लेकिन 2700 रहते ही लेकिन अगर पहले सिलेक्शन होता तो अंडर 500 आती 100%, अगर पहले सिलेक्शन होता तो फिर मैंने आईआईटी नहीं करी, तो मैंने स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस ले ली क्योंकि 2700 रुपए कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रहे थे, तो फिर मैंने एमपीएम से कंप्यूटर साइंस ली, थर्ड ईयर में सिलेक्शन हो गया था मेरा एचसीएल कंप्यूटर्स में, क्योंकि वो तो पढ़ाई कहीं से भी करो ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, बहुत सही बोलते ना आईआईटी नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कोई बच्चा करने वाला है तो किसी भी कॉलेज से इंजीनियरिंग करके अपने अच्छे मुकाम तक पहुंच सकता है जहां आईआईटी वाला पहुंच रहा था, ठीक है ना, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कॉलेज के बाद, तो यूं नहीं सोचना कि यार मेरा आईआईटी में नहीं हुआ तो मेरी लाइफ बर्बाद होगी, आप जो यहाँ 2 साल तैयारी कर रहे हो ना उसमें आप इतना निखर चुके हो कि आप जीवन में कभी भी डिफीट नहीं खाओ, हमेशा अच्छी जगह ही जाओगे आप, जब आज से 5 साल 6 साल बाद अगर आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह होंगे आप बोले पूछना सब अच्छी जगह होंगे, बाई चांस को अभी बोला यार इस इंजीनियरिंग कॉलेज में चला गया इतना अच्छा बच्चा था लेकिन फाइनली वो किसी अच्छे मुकाम पे ही होगा, फिर एचसीएल कंप्यूटर चले गए, फाइनल करने के बाद तुरंत वहां मेरा पैकेज लगा था 6 लाख या 7 लाख का, अरे नहीं पर ईयर 50,000 होने के तुरंत बाद ही मेरे को ऑन साइड जाने का मौका मिल गया, ठीक है ना, क्योंकि कंप्यूटर्स में मेरा इंटरेस्ट बहुत भयंकर ही था तो मतलब बहुत अच्छा करा, तो उन्होंने मेरे को मतलब अमेरिका में जाने का मौका दिया 1 साल बाद, लेकिन मैं अपने मम्मी पापा का इकलौता लड़का था तो ना मैंने वो ऑफर ठुकरा दिया, और वो जाना ही था नहीं जाओगे तो फिर जॉब छोड़ना, जॉब छोड़ दी, फिर कोटा आ गया बंसल ने बुला जाए पढ़ाने, तो फिर मैंने मैथमेटिक्स पढ़े 2 साल तक बहुत गजब की, लेकिन फिर कुछ टीचर भाग गए केमिस्ट्री वाले, तो बंसल ने बोला 1 महीने की छुट्टी ले जाओ और केमिस्ट्री पढ़ो, तो मैंने केमिस्ट्री पढ़ी, फिर फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई, और जब से पढ़ा रहे और बीच में मतलब बंसल क्लास में ये था सर, क्योंकि अपन तीनों सब जो पुराने बच्चे थे उनके बारे में बंसल सर आज भी अगर उनके सामने खड़े हो जाए तो पहचान जाते हैं, क्यों ना इतना स्नेह उनका था, तो उनको पता था कि ये कुछ भी कर सकता है, बाई चांस फिजिक्स का टीचर एब्सेंट हो जाता तो केमिस्ट्री वाले टीचर को भेज देते तो फिजिक्स पढ़ा के आने के लिए रात भर पढ़ और सुबह पढ़ा है ना, क्योंकि पता है पढ़ा सकता है, तो ऐसे अपन ने बहुत सी बार फिजिक्स भी पढ़ाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाई है, ठीक है ना, न्यूटन्स लॉ पढ़ा है बहुत सारे, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा मैंने अपनी लाइफ में केमिस्ट्री पढ़ाई है, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है ना, क्योंकि उस साल भी पेपर आउट होने के बाद